सो गाइस, अगर इस साल आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो ये वीडियो बस आप लोगों के लिए ही बना हुआ है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ऐसी चीजें मैं बताने वाला हूं जिससे आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। क्योंकि आपको अभी टेंशन आ रहा है यार, बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम, सही बोलूं ना यार, स्कूल के कंपैरिजन में ये जो बोर्ड एग्जाम होता है बहुत सिंपल होता है, बट सही गाइडेंस और प्रॉपर तरीके से अगर किया जाए तो भाई कम टाइम में कम चीजों को करके भी हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यही चीजों को हम कवर करने वाले, और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो लैंग्वेजेस को लेके बहुत ज्यादा डरते होंगे। भाई लैंग्वेजेस में सही बोलूं ना, कुछ पढ़ना ही नहीं रहता, बस कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप बोलोगे, कमेंट करोगे, हाँ सर लैंग्वेजेस का भी एक वीडियो बना दो, आपको देखो आपको अगर भरोसा बनाना है कि सर इतने फुल कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं, तो आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 18 सालों से हम ऑफलाइन बैच अपना रन कर रहे हैं, जो फेमस है, आप सभी सर्च करो गिरी टूडल तो जाके मिल जाएगा गूगल पे। इसके बाद दूसरी बात गाइस, इस साल ही हमने जो रिकॉर्ड ब्रेक किया पूरे महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा बच्चों ने लाइव सेशन में हमें देखा। इसके बाद 12th के बच्चे भी हमें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एमएससी सीटी का बैच इस बार हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा है। इंजीनियरिंग का अपना चैनल, इस पर हम इंजीनियरिंग लेक्चर्स बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जाके देख लो गाइस। तो हमें अपना ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें प्रदीप सर को प्यार हर जगह से मिलता है। तो भाई मैं चाहता हूं कि अगर आप 10th में हो तो आप भी अपना प्यार बरसाओ, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, कि आपके लिए भी जैसे हर साल हम बैच के लिए उतरते हैं वैसे आपके लिए भी हम जी जान से उतर जाए। और गाइस जाके फटाफट चेक करो, आप सभी का हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी लाना स्टार्ट कर दिया, और ऐसे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम ला रहे हैं जो बहुत लोगों ने बनाया अभी नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जैसे आपने थंबनेल देख लिया है कि लैंग्वेजेस में 45 मार्क्स भी मिलेगा तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, अबो 90-95 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नहीं सर कैसे कैसे सर ऐसे कैसे होगा, देखो बता दो। सबसे पहला तो आपको प्लानिंग क्या होना चाहिए। अगर मान लो मैं लिखता हूं यहां, ये हमारा हिंदी मराठी इंग्लिश, देन इसके बाद साइंस एसएसटी, देन इसके बाद मैथ। ओके ध्यान से सुनना गाइस, अपना स्कोर अपने को चलो मैं 90 प्लस समझ के चल रहा हूं, 90 प्लस अपने को निकालना है, अपने को 90 प्लस निकालना है। तो अगर मुझे हिंदी में 45 मार्क्स मिले, मराठी के अंदर मुझे 82 मार्क्स मिले, देन इसके बाद इंग्लिश में समझ लो मुझे 84 मार्क्स मिले, देन साइंस के अंदर, हाँ अब देखो मेन मुद्दा। और सर 90 प्लस बोल रहे हो और ऐसा ऐसा मार्क्स करके दिए हो, देखो प्लानिंग करनी है ना। मैं मानता हूं जानता हूं, देखो इस बार तो हमने रिकॉर्ड ब्रेक किया लैंग्वेजेस में, बच्चों ने 90 प्लस स्कोर किया, क्योंकि जो बच्चों की थिंकिंग थी ना कि लैंग्वेजेस में बहुत कम मार्क्स आता है, मैंने बोला नहीं, मार्क्स कम क्यों आता है, क्योंकि आपको सही तरीका नहीं पता है कि आपको कैसे स्कोर करना है। आपको बताऊं ना, अपने प्लेटफॉर्म पे जो राहुल सर है ना, उन्होंने 6 के 6 सब्जेक्ट में टॉप किया है 10th स्टैंडर्ड के अंदर, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बोल रहा हूं और 18 साल से ऑफलाइन बैच रन कर रहा हूं। तो भाई यहां ऐसी कोई चीजें कोई नहीं बता देता, कुछ किया हुआ है, किया हुआ तो ही चीजें आपके सामने रखी जाती है। तो भाई ध्यान से सुनना और प्यार से सुनना। तो भाई देखो हिंदी में 45, देन मराठी में 82, देन इंग्लिश के अंदर 84। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे 90 प्लस हो जाएगा, तो यही तो प्लानिंग करनी है आपको। अगर ये वाला जो सब्जेक्ट है ना साइंस एसएसटी मैथ, इसमें बोलो अगर आप ट्राई करोगे तो तीनों के अंदर आप 100-100-100 स्कोर कर सकते हो, पक्का कर सकते हो, बस थोड़ा सा ट्राई, पेपर पैटर्न सिलेबस सही तरीके से करते हो तो भी स्कोर कर लोगे। तो भी भाई हम उतना नहीं समझते, हम ऐसा समझ के चलते हैं, चलो साइंस के अंदर हमें 98 मार्क्स मिला, देन एसएसटी के अंदर हमें मिला है 96 मार्क्स, देन इसके बाद मैथ के अंदर गाइज हमें मिला है, ये जो लाना बहुत आसान है 98, ये कोई बहुत नहीं, ये कहां से पढ़ना है वो बताऊंगा मैं। बिल्कुल सर 98 भाई बहुत आसान है, मैं बोल रहा हूँ हो सकता है आपने पूरी लाइफ में इतना स्कोर नहीं किया होगा, पर 10th में हम स्कोर जबरदस्ती करवा देंगे, ट्रैक सही तरीका। अब देखो अब कैसे, मराठी का 8 मार्क्स कम था वो इधर चला गया, ये भी हो गया 90, इसको कवर साइंस ने किया। एसएसटी ये इसको कवर किया, जबकि एसएसटी में और मार्क्स आएगा, पर चलो हमने इसको कवर किया। अब बचा, आप बोलोगे सर मैथ 98 इसको कहां कवर करेगा, अरे तो भाई इसको जाने दो ना, ये बेस्ट ऑफ 5 से चला जाएगा, ये हमारा बेस्ट ऑफ 5 से बाहर हो जाएगा, बेस्ट ऑफ 5 से बाहर हो गया तो भी अगर आप स्कोर करोगे ना तो भाई 90 के ऊपर चले जाओगे, आप आराम से 90% के ऊपर चले जाओगे। और अगर 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 थोड़ा आपने यहाँ जो मैथ इंग्लिश में और अच्छा स्कोर कर लिया ना, मराठी और इंग्लिश में थोड़ा और अच्छा स्कोर कर लिया, तो जिसका जो भी लैंग्वेजेस अच्छा नहीं हो
और थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर लिया तो ये ऊपर 95 पहुंच जाता है, आराम से 95 पहुंच जाता है। इवन गाइस अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स कोटा या किसी में है तो उसका परसेंटेज और बढ़ जाता है और आराम से बढ़ जाता है। इसीलिए बोल रहा हूं भाई कि एक वे सभी चीज को डिसाइड करो कि आपको कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, कैसे प्लानिंग करनी है, किस सब्जेक्ट पे किस तरह से फोकस करना है, कितना ज्यादा, ये वाला तो आपको टारगेट होना चाहिए। आप बोलोगे सर प्लीज इससे भी एक वीडियो बना के दे दो कि साइंस में अगर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, क्योंकि 100 सोचेंगे तो ही 98 आएगा, तो हमें क्या 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 करना है। तो अगर आपकी जबरदस्त मांग होगी तो सबसे पहला जो वीडियो आएगा वो साइंस का वीडियो आएगा कि अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 साइंस में निकालना है, साइंस 1 और साइंस 2 मिला के, तो कैसे करोगे। आपको पता है इंटरनल मार्क्स, बोलोगे सर इंटरनल मार्क्स तो 20 ऑफ 100, भाई इंटरनल मार्क्स ना टीचर पूरा दे देती है, समझ में। अगर आपने आपने थोड़ा जो चीजें सबमिट किए, 1890 तो सबको मिलता ही है, 1890 तो मिलता ही है, बट थोड़ा इस साल थोड़ा और आपने दिखा दिया कि यूनिट टेस्ट में फाइनल सेमेस्टर में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो 20 आउट ऑफ 20 मिल जाता है। इस तरह हमारा जो ड्रीम है वो 100 का फिक्स हो जाता है, क्लियर। तो भाई इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि ये जो प्लानिंग मैंने बताई वो कैसी लगी, और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।